हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कैसा का के मना छो राम राम गाइस वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग डे अमेजिंग व्लॉग। आज का दिन स्पेशल है हम सब घर वालों के लिए यहाँ पे, क्योंकि आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक प्यारी, हमारे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हस्ती इस घर को विजिट करने के लिए फॉर द फर्स्ट एवर टाइम आ रहे हैं। एंड उनका नाम है युजवेंद्र चहल जी हमारे, जो जिनके साथ हम लोगों ने इतनी सारी स्ट्रीमों पे खेला है, इतना मज़े किए हैं गोल्डी भाई के साथ। उनकी जुगलबंदी नेक्स्ट लेवल, आप तो देखते ही चले आ रहे होंगे इतने टाइम से। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 और वो निकल चुके हैं स्काउट के साथ और वो आज पूरे दिन हमारे साथ रहने वाले हैं। और आई डोंट नो, ये मंथ बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन आज का दिन हम सब लोगों के लिए स्पेशल है। मेरे लिए ये महीना क्यों स्पेशल है ये आपको अगले आने वाले कुछ दिन में एक और व्लॉग से पता लग जाएगा। बहुत बड़ी बात है यार हम लोगों के लिए कि हम लोग इस मुकाम पे पहुंच गए कि इतनी बड़ी इतने बड़े और इतने प्यारे भाई हमारे जो है आ रहे हैं हम लोगों से मिलने के लिए। लेकिन भाई ये कि आई डोंट वॉन्ट टू बॉम्बार्ड हिम विद अ फोन ऑन हिज फेस, लेकिन जितना हो सकेगा उतना करेंगे, मस्ती मजाक सब कुछ। एंड चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा सा अभी फ्रेश हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ, चाय पियेंगे, थोड़ा सेट होएंगे, अपना नींद से पूरी तरीके से बाहर आएंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे तक पोकेमोन खेल के सोए, अभी उठ गए थे, तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। उसका मानसिक संतुलन मिल जाए। हाँ, वैसा किया है कल। पहले ऐसा था मॉर्टल, जब शुरुआती स्टेज था यूट्यूब का, तब मॉर्टल गेम प्ले करता था, गेम वेम करता था। फिर मॉर्टल को धीरे धीरे जैसे स्ट्रीमिंग मॉडिफाई होती रही, इवॉल्व होती रही, मॉर्टल को समझ में आया कि थोड़ा सा सैवेज भी होना ज़रूरी है स्ट्रीम पे। नमन क्या कहते हैं, एक नॉर्मल प्यारा छोटा बाबू बच्चे से हरामी में जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है ना भाई, मतलब पूरा, मतलब बीच का कोई स्टेट ही नहीं था, इतना टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक। हम बोल नहीं सकता अभी क्यों ये पार्ट के लिए बोल, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है, बोल नहीं सकता मैं। जो रेडिएटर मैडम है हमें 11th स्टैंडर्ड में मिली थी, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जूनियर कॉलेज के बाद कॉलेज में भी सेम में आ गए हम लोग, सेम कॉलेज में आ गए। उस कॉलेज में फर्स्ट मंथ वो नहीं थी कॉलेज में, वो दूसरे कॉलेज में थी, एडमिशन हुआ नहीं था। तो मैं ना वहाँ नए दोस्त बना लिए थे मैंने, और उन लोगों के साथ फुल बदमाशी, ठीक है, पूरा मतलब थोड़ा सा गाली वाली भी चल जाता था, ऐसा बदमाशी एकदम, ठीक है। उसके बाद फिर रेडिएटर मैडम का हुआ एडमिशन, हमारा पार्टनर हो गया चेंज, हम रेडिएटर जी के साथ बैठने लगे, फिर पीछे से लोग बुलाता था ना, हम नीचे से ऐसे करता एक दिन में उन्होंने रूप बदलता ये अपने बायोग्राफी में लिखेगा, एक समय मैं भी हरामी हुआ। उसके बाद ना मैं एकदम मतलब चेंज हो गया आदमी पूरा, ठीक है, क्योंकि जैसा एक महीना था उनके साथ में, जितनी बदमाशी कर रहा हूँ जितना कर, कुछ नहीं, शांत आदमी एकदम, पढ़ाई पे फोकस, ठीक है, एकदम से बदल गया मैं। तुम कॉमर्स थे ना मतलब इसको वजह चाहिए टॉक्सिक होने के, लेकिन इतना टॉक्सिक है ना, टॉक्सिक इंसान गाइस गाली गलौज से नहीं होता, इंसान सोच से होता है कि जो देख रहा है ना उसमें सिर्फ गंदा ही थॉट निकल रहा है। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर, चुप चुप। अभी भाई जो हुआ है ना, क्या हुआ कुछ हुआ है क्या अभी क्या हुआ भाई, इसने कहा 2 टी-शर्ट लेकर आना, मैं 2 टी-शर्ट नॉर्मल उठाई मैंने, भाई 10,000 रुपए की भाई, मैंने कहा पहले गिफ्ट था, जब 10,000 दिया मैंने कहा अब तेरे जो है पैसे में से कटेगा। ये हम लोग का पहले, हम लोग सोचे थे इसको सिर्फ शूट रूम रखेंगे जैसे ब्रांड शूट करने के, फिर ओल्डी भाई यहाँ पे रहने लगे काफी, तो फिर उनका स्विमिंग चला शायद एक ही लौते होंगे जो बोल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोल सकता ये सब, उनको मैं पूरा हाईजैक कर लेंगे, कुछ और भी बोल सकते हो वैसे। ये SATUL चैनल का सेटअप है आदि का, जैसे ये रूम को हम लोग में ये लगा के रखे, ये देखते हैं, बोल के थक गया सर, डब्बा सारा डब्बा रखा हुआ है, तुम बोलते फेंक दिया है, नहीं फेंकता
डब्बा इम्पोर्टेंट है, एक शॉप भी खोल दो ना बेचने का, समय आएगा वापस बैन हुआ तो पक्का भी बेचेंगे, इस बार रिकवरी नहीं है अमंग अस ओके हम के सेटअप नहीं है, सब का सिर्फ नाम है यहां पे भाई, ये सिट गए नहीं सिड का यहाँ पे, अब सिड का यहाँ पे मुझे प्राउड होता है बाकी सब नीचे है, मेरे से उठ गए तुम लास्ट उठे बोलते बाकी लोग उठे नहीं अभी तक माइनस में करेगा ये, उर्वेश से एक पॉइंट तो ज्यादा दे देना मेरे को, बाबू कितने साल का है, 20 साल में सही कर रहे बाबू, माइनस में रेटिंग कर रहे, तुम रेट करो मुझे 10 में, इसमें इसके काम के लिए काम सिंसियरिटी डिसिप्लिन, मुझे लगता है तू जिस तरीके से अभी काम कर रहा है बहुत जल्दी तू जॉबलेस हो रहा है, हमारा 15-20 वीडियो फ्री में करेगा, हम बचाएगा फीडबैक सबमिटेड ये मेरा छोटा सा आशियाना है, हां जी गाइस व्हाट्स हैपनिंग, कितना चाहिए क्या चाहिए करा दीजिए, वो देखो 60 होना है 1360 करा दीजिए 4-5 मिलियन 1360 वो तो मौसी का लड़का नहीं आते हैं रेडिटिंग सा, हां वही मौसी का लड़का, ये साउंड साउंड अच्छा यहां पढ़ना पड़ेगा, ओ हेलो भाई कोई क्वेश्चन हो पढ़ा दे, सब सुने सब सुने, आगे मत तो कैमरा इधर है, कैमरा इधर है, फर्स्ट टाइम इतना मैं कभी बैठा हूं ना, मेरे को आदत नहीं है, ये देखिए मौसी का लड़का आता है ना सबके सेट और देखता है ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ये खाने वाला लोंडा हमारा इसने राशन खत्म कर दिया सोल का भाई, जो आज पहला है भाई स्काउट ने भाई खाना, लेकिन अच्छा है भाई उसी की वजह से, आज 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 स्काउट ने बोला मुझे भूख नहीं लग रही और सबका खाना खा गया भाई, प्यार तो है यूसी भाई, देखिए बात तो है, वर्ल्ड कप आनी चाहिए यूजी भाई, हाँ मामा का लड़के मैं लेके आ रही आपको कैसा लग रहा है फेस कैम में अपना भाई, कैसा लग रहा है सेटअप, आपको कैसा लग रहा है सेटअप, बाबा मैं तो इतना एक तो हमारा तो छोटा फोन होता जो इससे भी खतरनाक सेटअप जाना है तो वापिस जाना होगा, वो तो आ रही जब मैं किसी छुट्टी में रह के जाऊंगा, खाने से फुर्सत मिले तो यूजी भाई लर्निंग स्ट्रीमिंग बेसिक्स रेन यूजी का YT स्ट्रीम कमिंग सून पीपल, साथ में रेन का सोल भी जोड़ देंगे हम। How was your first experience in gaming house? Oh, lovely. I felt like home. Like proper, मतलब घर वाली पूरी फीलिंग है। मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि you understand, I'm a married guy. Obviously, भाई. Time निकाला बड़ी बात है। तो ये वाली चैट आप कैसे पढ़ते हो sometimes? I can't read this. जो आ जाती नजर में वो पढ़ लेते हैं। चलो गोल्डी भाई के बाद तो कोई आया स्काउट करो। ये करना राहुल भाई, हम रोज वहाँ करते हैं जहाँ पे वैल्यू होती है, फालतू काम नहीं देते, किसी भाई को बटर चिकन खिलाओ बहुत पतले लग रहे भैया जी, हम तो बचपन से खा रहे हैं, गोल्डी भाई जैसा बन के गोल्डी भाई यूनिक है भाई, वहाँ तक अगर बनिए कसम से एक गेमिंग हाउस एक बटर चिकन कम थोड़ी हो जाएगा, एक बटर चिकन कम नहीं, बटर चिकन से नहीं होगा, एक बटर चिकन से कैसे होगा भाई, वो 500 खाते हैं वाइपर तो पीछे से क्यों बोल रहा है, जा रहा फ्राइज फ्रेंच फ्राइज गोल्डी भाई ऐसे जो हड्डी भी खा जाते हैं, फक दिस शिट। सो गाइस फाइनली अपना स्ट्रीम से अपन लोग आ चुके हैं, अपन मतलब मैं नहीं, हम लोग नहीं, मैं आ चुका हूं, एंड जो एक्चुअल ज़बरदस्त मस्ती इन लोगों ने नीचे मेन हॉल में करी थी वो मैं मिस कर दिया था क्योंकि मैं उस वक्त स्ट्रीम कर रहा था, और आज आदि को सौभाग्य मिला उस चीज़ का, आज आदि बहुत खुश था, अभी आदि ने मेरे से शेयर किया कि यूजी भाई मेरे को जानते हैं नाम से, मैंने कहा इतना एंड आदि चलता है गोल्डी भाई की स्ट्रीम पे एंड SA12 की वो प्रीमियर पे, तो कोई ना जानते हुए भी जानेगा तेरे को, ये भाई ये है कौन जो है हर एक वीडियो में एंड हो रहा है और क्यों हो रहा है, नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी, वाह रे वाह, लेकिन कैसा आज का दिन, मस्त रहा भाई, क्या मस्त दिन था आज, है ना, हाँ कहाँ से कहाँ आ गया यार हम लोग, यार वही सोचता हूँ कभी ऐसा पलक झपक के, ऐसा ही लगता था कि परसों ही ऐसा मैच देख रहे थे घर पे बैठ के इंडिया का, चहल भाई को देखते थे पहले, क्या आदि आया था मामा भाई मॉडल से मिला
ज्यादा शूट नहीं किया गया क्योंकि हम लोग बस बैठ के बात करना, अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहते थे कि भाई ना डिस्कस किया ना मेमोरीज सारा उनका खेलते वक्त का वो सब सब कुछ भाई, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज लाइक कि क्लोज गैदरिंग सब पहली बार था तो ऐसा नहीं कि मुंह पे लेके गोल अच्छा ये वाला दोबारा बता दीजिए, मैं चाहता हूं कि जैसा मैं शेड्यूल वीडियो में करता हूं दोबारा बता दी, मैं चाहता हूं कि जो है ऑडियंस भी ये जाने ये चीज, लेकिन खैर बहुत मजा आया, बहुत ही एपिक डे था भाई। अभी आपको भूख लगी, खाना खा लें यार? मैंने तो खा लिया, आप खा लिया? घंटा खाया यार, खा लिया मैंने, आप खाइए। आपने क्या खाया? पनीर, पनीर बना, पनीर और राजमा चावल। क्या बात है, आप चलेंगे मेरे को कंपनी करने के लिए? कंपनी कर रहे गाइस, थैंक यू गाइस, आदि को लव कर दिया यार। चैट डाइनिंग टेबल पे पहली बार कपड़ा चढ़ते देखा है हम लोगों ने, कवर चढ़ते और पहली बार नकली फ्रूट की जगह असली फ्रूट रखे ये ग्रेप्स हैं। हाँ, ग्रेप्स ग्रीन कलर के होते थे आखिरी बार जब मुझे पता था, ये गोट देख रहे क्या बोल रहा है रिज्जू को देख रहा हाँ भाई सूट बनाया सूट बोल नहीं था कोई सूट नहीं होता लेकिन अभी आपको आए हुए कितना दिन हो गया ऐसे ट्यूल में? 5 months हो गए, तो आपने बहुत सारी चीजें देख ली ऐसे ट्यूल में। ऐसे ट्यूल ओपी कह सकते हैं आप, लगता है आपको है ना? तेरे को क्या लगता है लगेगा कोई और जगह? अब आदि को जाना, बोर हो गया हूँ भाई, एक जगह का एडिट करते करते बोर हो गया हूँ। मेरे को कहाँ भेजोगे? मैं और कहीं कहाँ ही तुम मुझे, मैं कितना अजीब लगूंगा किसी और जगह बस तो जीना तो आज के व्लॉग में गद्दारी कर गए तो अभी हम लोग ने शर्त लगाई थी मांबा और जरिफ से, मैंने आदि ने, आदि को जीरो नॉलेज थी बट मैंने रेबल के भरोसे लगा दी। ईजी वर्सेस क्या था, ईडीजी का मैच चल रहा था गाइस वालोरेंट में, तो वहां पे क्या हुआ कि हमने जिस पे बेट लगाया था वो जीत गए, तो इनको मतलब 500 देने थे, तो इनको 500 देने थे, तो मांबा का मांबा ने बोला सेटल कर लेंगे। भाई क्या सेटल होता है यार, ये सब थोड़ी सेटल होता है, और ये तो बेशर्मी पे उतर आया, ये नहीं इसने दे दिए, इसका मैं शीट में डाल दूंगा, इसने दे दिए बाकी डिटेल्स तो बोल नहीं सकते ना। देखो मैं जरिफ कितने दे दिए, आदि के भी दे दिए, बट एक बंदा बचा है, मतलब पता नहीं वो, पता नहीं ब्रो, पता नहीं कौन है, नहीं पता कुछ। 50,000 का खाता बन गया, 500 रुपए लेस करके 49,500 भेज दे मेरे को, QR कोड दिखा दे रहा हूँ भाई। ये सब बैट में ये सब नहीं होता है, पहले का नहीं गिनवा सकते। अरे वो 10,000 का क्या था मामा भाई, वो 10,000 अच्छा 49,000 मेरे बोले तुम ये तो वो पहले लाया था ना, पहले तो गिफ्ट था ना वो, तो इनके पास कपड़े नहीं थे, मैंने कहा कि तुम जा रहे हो शॉपिंग, तो मैंने इनको बोला तुम जा रहे हो शॉपिंग, दो टी-शर्ट ले आना, मेरे को लगा मैक्स 2,000 का भी, मुझे भी यही लगा कि भाई मैं जाऊंगा और सारा वारा ये सब कोई मॉल वॉल जाएंगे, कृतिका लोग सेठ भाई वो मिली जो है वहीं जा रहे थे, लेकिन गाड़ी एकदम से कहीं जो है कैप्सूल में चले गए, मैंने बोला था उसको जाने के लिए, वो कुछ इंटरनेशनल ब्रांड के स्ट्रीट वेयर थे उसमें, उससे आदि स्ट्रीट पे आ गए थोड़ा सा, दो टी शर्ट दस हजार की लेके आए ये कुछ जो वीडियोस एडिट करेगा मेरी उससे पैसे, जैसे अभी मैंने आज दूरी एडिट किया उसका एक रील का 5,000 पकड़ लो तो मैंने भी पकड़ लिया, जैसे तुमने भी अभी 500 के बाद मेरे को पता नहीं है वो टी शर्ट 40,000 की है, तो मैंने भी पकड़ लिया, ये कुछ भी है मुंह में घुसा देना तू। अब कैसा लगता है तू ऐसे हमारे मुंह में लाता है कैमरा, बताना चिकने तो दे दिए इसका जीपे खोल, जीपे दे तो दिए, अबे मेरे को तो दिल्ला करेगा जीपे खोल इसका, अबे जीपे खोल कि तू मेरा फोन कैसे पकड़ रहा है भाई, लड़ रहा है, लड़ाई हो रही है बीच में मामा है, बीच में मामा है, तुम दोनों के बेचारा, तुम दोनों के मिला के उम्र से भी ज्यादा का बंदा बैठा हुआ है, कर लो कुछ। अरे मेरा बच्चा 30 मामा कितने साल के हो गए? 30 दे यार सिल्वर जुबली यार, उसमें तो 30 सिल्वर जुबली बोला सिल्वर जुबली 25 पे होती है, तो निकल गई वो 5 साल पहले निकल गई, पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे? अबे सुन सुन सुन, मेरे 500 दो फिर मैं तुमको
तेरा वो वाली वीडियो को मिल जाएगा। वैसे हरक्यूलिस भी अच्छी एडिट कर उससे करवा लूंगा। नहीं वो नहीं, तो अभी मैं जीपे दिखा रहा हूँ तो 9000 दे दे मेरे को। स्कीम पुरानी हो मेरा। अरे तुम लोग गुजराती को धंधा करना सिखा रहे हो भाई। लेकिन जो बात है भाई, गुजराती को मानता तो हूँ भाई। हाँ भाई, धंधे भाई, ये बंदा भाई मेरे को एक चैनल डुबा के भी अभी यहीं बैठा है। मतलब सोच, इसने कितनी जबरदस्त तरीके से पकड़ बना रखी है अपनी। अभी मेरे को इग्नोर करता है हर बार। तीन मैसेज बोला मेरे को इसने, ठीक है, जिसमें से एक इंप्रोवाइज कर दिया। पूरा काम के टाइम पे गेम खेलता ना, मेरे को एकदम पसंद नहीं है। स्ट्रीम पे खेलो तो खेलना है। तुम एडिटर से मम्मी क्यों बनते जा रहे हो भाई? मेरे को इग्नोर करता है सर। और फिर जब जब शूट का टाइम आता ना, जब थक पूछता है आदि रील का क्या हुआ, तब मैं ये तो नहीं बोल सकता। इतना शर्म नहीं आता, ठीक है, क्या करता है मालूम? जब जब ये नीचे रहता है ना और किसी को बहुत अर्जेंट काम रहेगा ना और वो चिल्लाएगा आदि, एकदम आजू बाजू वालों को बोलेगा। वो तो ट्रोल करते हैं, वो तो मजाक करते हैं। जिंदगी में ट्रोल करता हूँ। मुझे लगता है मॉर्टल वाइपर से बड़ा जोड़ी अब मॉर्टल आदि बनेगा, टॉम एंड जेरी वाला। इसको लेकिन टॉम एंड जेरी जितना मारना भी है, इतना फाइट करते हैं ना वो लोग, चोरा चोरा खींचा दांत निकल जाता। एक दो दिन जिम क्या जाने लग गए। जिम नहीं भी जाऊंगा, ये क्या उठा अपने। सो दोस्तों, फाइनली सब कुछ करके अब रात के 2 बजने वाले हैं एंड मैं अब अपनी पैकिंग चालू करने वाला हूँ। मतलब निकलना है, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, कुछ 2:30 से 3 बजे के बीच में हम लोग निकलेंगे। मैं, मर्सी और थक दिल्ली जा रहे हैं और BGMS के लिए। वहाँ पे कुछ दिन रहूँगा और कुछ दिन के लिए घर जाऊँगा क्योंकि मेरी बहनें भी जाने वाली हैं वापस। वो अभी घर पे हैं, वो वापस दुबई एंड कनाडा जाने वाले हैं, तो उन लोगों से भी मिलने के लिए जाऊँगा। 25th को जा रहे हैं तो आई गेस मैं 2 दिन पहले जाऊँगा ताकि उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ। उनको एयरपोर्ट छोड़ के दोबारा से रीजॉइन करूँगा थग लोगों को दिल्ली में। 2 दिन के लिए जाऊँगा आई होप, एंड देन फिर उसके बाद जब BGMS ओवर हो जाएगा देन कुछ दिन के लिए घर जाऊँगा, लाइक 3-4-5 दिन के लिए। सो यस, आज का दिन बहुत अमेजिंग था यार। गाइज, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता आज जितना अच्छा लगा कि यूजी भाई आए, उनके साथ बातचीत करी हम लोगों ने। इतना ब्रदरली फील था, सब कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था, उन्होंने लगने नहीं दिया कि ऐसा कुछ। मतलब वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, इंडियन टीम के क्रिकेटर हैं, सोचो हमारे नेशनल इंडियन टीम के क्रिकेटर हैं वो। कोई फील नहीं था इतना, मतलब उस समझ रहे हो ना, क्या हमारे सामने अगर कोई क्रिकेटर आ जाता आज से 5-6 साल पहले ऐसे इंडियन टीम का, कितना ज़्यादा हम लोग जो है वो नर्वस हो जाते। लेकिन बहुत मज़ा आया यार। और फिर वो स्ट्रीम पे आए, स्ट्रीम पे इतनी अमेजिंग फ़न हुआ, बहुत अच्छा, यादें हो गई यार, मेमोरीज़ हो गई। एंड तुम लोगों को यार सैल्यूट है यार, थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया तुम लोगों ने। जितने भी लोग थे, कुल मिला के कुछ ऐसे 20,000 लोग थे, 20K की वॉचिंग थी, इतना ज़्यादा तुम लोगों ने प्यार दिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द सपोर्ट। मतलब समझ रहे हो ना, वो मेरी चैट थी, मेरी स्ट्रीम थी, एंड उस पर उनको इतना ज़्यादा प्यार दिया तुम लोगों ने, जितना सैल्यूट उतना कम। अभी चलते हैं पैकिंग करने के लिए, जल्दी जल्दी पैकिंग करनी है वरना फ़्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। आई होप अगर मुझे वहाँ पे ब्लॉग करने का मौका मिला BGMS लैंड वैन जाके, तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली परमिशंस एंड ऑल चाहिए होती हैं, बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट और तुम लोगों के लिए वहाँ का भी कॉन्टेंट लाने के लिए, जहाँ हो सकता है वहाँ जाएंगे, खींच के लाएंगे, तुम लोगों को दिखाएंगे हर तरीके की चीज़, हर जो कुछ हो रहा है जो अपनी रीच में है। दोस्तों बस प्यार देते रहना, ऐसे ही बनाए रखना। आज स्ट्रीम पे दिया, व्लॉग पे भी देना, इस व्लॉग पे भी देना, हम लोग मतलब फाड़ देंगे यार। मतलब तुम लोगों का प्यार रहा ना तो किसी से कम नहीं हूँ मैं, मतलब जितना एफर्ट लगेगा उतना एफर्ट लगाएंगे, लगाता हूँ, आगे लगाता रहूँगा, बस प्यार कम नहीं करने देना यार। तुम लोग स्ट्रेंथ हो मेरी और तुम ही लोग वहाँ तक ले जाओगे और यहाँ तक लाओगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर,
डेली डायरीज चालू हो रही हैं सिया।